Hi dear aspirants, welcome back on English Inspiration Club and आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल एंड हियर वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो कि नॉवेल लिखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी फिक्शनल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग एंड थीम के बारे में आज हम बात करेंगे इस सेशन, इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। प्लॉट का सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। आप सभी ने प्लॉट ड्रामा में भी पढ़ा है, प्लॉट एक स्टोरी में भी पढ़ा है, एक आपने फिक्शनल वर्क में भी पढ़ा है। तो प्लॉट का डिस्कशन जो हम करते हैं, प्लॉट इज सिंपली द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। घटनाओं का किसी कहानी में जो एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं। जो कि कहानी में होता है, जो घटनाएं छोटी छोटी होती हैं, उन सबको मिला करके एक स्टोरी जो बनती है, उसी को क्या बोला जाता है, प्लॉट बोला जाता है। एवरीथिंग दैट हैपेंस इज अ पार्ट ऑफ द प्लॉट। जो कुछ भी चीजें होती हैं किसी स्टोरी में, उसको हम प्लॉट बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ फिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट और फाउंडेशनल एलिमेंट की बात करें किसी भी फिक्शनल वर्क की, किसी भी नॉवेल की, तो प्लॉट जो होती है, किसी भी स्टोरी की जो होती है, वो आत्मा होती है, सोल होता है, ये आप सभी जानते होंगे। एज द प्लॉट प्रोग्रेसेस, इट डेवलप्स अ मल्टीट्यूड ऑफ इंटेंसिफाइंग कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनलाइज इटसेल्फ इन अ मोमेंट वेयर टेंशन गोज डाउन फॉर कॉल क्राइसिस। तो जब प्लॉट प्रोग्रेस करता है, मीन्स कोई स्टोरी जो प्रोग्रेस करती है, तो उसमें छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस पड़ती जाती हैं, और जब अपने डिनाउंसमेंट की तरफ जाते हैं, तो एक तरीके का जब वहां पे एंडिंग होने लगता है, तो वहां पे प्लॉट का जो सॉल्व होती हैं चीजें, या क्राइसिस जो क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है, तो उसका जो होता है एंड, उससे पूरी स्टोरी का एंड हो जाता है। और ये एक पूरे से सीक्वेंस होते हैं, जो कि इवेंट्स के सीक्वेंस होते हैं, उसमें से आप प्लॉट लिखते वक्त जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो रेजोल्यूशन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसपे हम बताएंगे, क्लाइमेक्स होता है, एंटी क्लाइमेक्स होता है, और उसके बाद डेनाउंसमेंट आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं प्लॉट लिखने के, जिसमें स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है, बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, जो स्टोरी को इंटेंसिफाई करती हैं। ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं, और बाद में उस इंसिडेंट पे या उस इवेंट्स पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस पे ओवरकम किया जाता है, और बाद में उसका हैप्पी एंडिंग या ट्रेजिक एंडिंग होती है। ये हम प्लॉट में बोलते हैं, जो कि स्टोरी का इवेंट होता है, इवेंट्स का एक स्टोरी होता है, सीक्वेंस होता है। तो प्लॉट आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉवेल और फिक्शनल वर्क। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? Characters are beings that take part in story overall. Beings means human beings. Human beings means जिसमें जान होती है, आत्मा होती है, वो लोग जो स्टोरी में टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं किसी भी प्लॉट की स्टोरी में, उनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, जिनके थ्रू स्टोरी जो होती है वो आगे बढ़ती है। बिना कैरेक्टर के कोई भी स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कैरेक्टर्स स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होता है, जो कि कैरेक्टर्स अपने रोल को प्ले करते हैं और वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक कैरेक्टर के थ्रू ही स्टोरी क्या है, वो कन्वे होती है ऑडियंस को या रीडर्स को। तो यहाँ पे है, दे आर डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर एज सेपरेट एंटिटीज थ्रू देयर ओन मेंटल, इमोशनल एंड सोशल क्वालिटीज। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जो भी फिक्शनल वर्क्स में आते हैं, जैसा मैंने बताया कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कन्वे करते हैं, स्टोरी को रीडर्स तक पहुंचाते हैं, अपने किससे, अपने एक्शन से, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे, और अपनी जो कन्वर्सेशन होती है उससे वो स्टोरी को रीडर्स के थ्रू पहुंचाते हैं। ये होता है कैरेक्टर। और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। एक स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ के कैरेक्टर का मेंटली वो स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, उनमें अलग अलग सोशल क्वालिटीज होती है। ये फिक्शनल वर्क का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर्स इन अ नॉवेल आर प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन थ्रू देयर एक्शन, स्पीच एंड थॉट्स। ये क्या होता है? मीन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है। ये ध्यान दीजिएगा कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मीन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब किया जाता है, ये एक माध्यम होते हैं डिस्क्राइब करने का स्टोरी को, अपने एक्शन के थ्रू, जैसा मैंने बताया, अपनी स्पीच के थ्रू और अपनी थॉट के थ्रू। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, वो मीन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन होते हैं या मीन्स ऑफ
ऑफ कन्वे होते हैं टू दी रीडर्स। इसके साथ ही साथ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे कि अलग अलग कैरेक्टर्स किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है देर आर मेनी मे बी स्टैटिक स्टैटिक कैरेक्टर्स, डायनेमिक कैरेक्टर्स, जो स्टैटिक कैरेक्टर होते हैं जो स्टार्टिंग टू एंड सेम बिहेव करते हैं, उनका उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है जब स्टोरी मूव ऑन करती है। डायनेमिक कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं या स्टार्टिंग में उनके अंदर कुछ और क्वालिटीज होती हैं, बट बाद में एंड ऑफ दी स्टोरी वो कुछ और निकल करके आते हैं। मेजर कैरेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे प्रोटागोनिस्ट की बात हो गई, एंटागोनिस्ट की बात हो गई, ये मेजर कैरेक्टर्स हुए। माइनर कैरेक्टर जो उसके साथ ही साथ लीड रोल के साथ में जो रोल प्ले करते हैं, जो उसको हेल्पफुल होते हैं, असिस्ट करते हैं, वो माइनर कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और इसमें मेजर कैरेक्टर प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टोरी थीम। अ कॉन्फ्लिक्ट इज यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन द मेजर प्रोटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ऑफ द कैरेक्टर। तो एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट होते हैं मेन कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्टोरी के लिए, जो कि कॉन्फ्लिक्शन एक दूसरे में क्रिएट होता है। और आगे हम कॉन्फ्लिक्ट की ही बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है किसी भी नॉवेल को लिखने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट इज अ ड्राइविंग सोर्स ऑफ टेंशन इन नॉवेल। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, मीन्स जहां पे आप ये समझो टेंशन रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो टेंशन क्रिएट करता है उसका सोर्स होता है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है नॉवेल में। इट इज वॉट विल कीप रीडर्स होप थ्रू आउट द स्टोरी। और टेंशन के थ्रू ही आप स्टोरी, एक सिंपल वे में कोई स्टोरी लिखी गई है आपको वो थोड़ी सी डल लगेगी, आप थोड़ी मोनोटोनस हो जाओगे उस स्टोरी को पढ़ के या उस स्टोरी को देख करके। बट आप अगर उसी स्टोरी में कुछ राइजिंग एक्शंस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करता है, जो एक तरीके का आपका आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है और क्लाइमेक्स जो होता है, तो वहां पे जब वो टेंशन होता है तो वो रीडर को क्या करके रहता है या उसको हुक करके रखता है कि यस वो बंधे रहते हैं उस स्टोरी से कि यस आगे क्या होने वाला है। इन रोमांस द कॉन्फ्लिक्ट इज विल दे एंड अप टुगेदर। जैसे रोमांटिक कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो नॉवेल से रिलेटेड, या कोई मूवी वॉच आउट कर रहे हो आप, देख रहे हो आप, तो आपको क्या होता है कि क्या ये दो कैरेक्टर्स जो रोमांटिक कैरेक्टर्स हैं जैसे हीरो एंड हीरोइन है, वो इतनी कन्फ्लिक्शन झेलने के बाद, इतना कन्फ्लिक्शन जो होता है वो सहने के बाद, क्या वो एक दूसरे से मिल पाएंगे या एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं, ये होता है रोमांस में जो कन्फ्लिक्ट होता है। इसके साथ ही साथ मिस्ट्री प्लेस की बात करें तो मिस्ट्री जो मिस्ट्री नॉवेल्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो हम इसमें होता है कि किसने ये किया है। मिस्ट्री रिलेटेड जो स्टोरीज आप पढ़ते हो बुक में या आप वॉच आउट करते हो किसी मूवी में, आपको होता है कि ये किसने कर रखा है या किसने, लास्ट में आपको पता चलता है हाँ ये इस कैरेक्टर ने किया है या इसने किया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही आपको, कॉन्फ्लिक्शन जो होता है वो स्टोरी को बांध के रखता है और साथ ही साथ रीडर्स को या जो ऑडियंस होती है उसको बांध के रखता है कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, तो वो एंड तक उसके साथ बने रहते हैं। इसीलिए कॉन्फ्लिक्शन जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए और इंटेंसिफाइंग होना चाहिए और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सो दैट कि रीडर्स उसको उसके साथ बिल्कुल बाइंड करके रहें और साथ ही साथ में वो उससे पूरी तरीके से एंड तक एंजॉय करें। ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। कैरेक्टर फेस ट्राइंग टू परस्यू दियर गोल। कॉन्फ्लिक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ टेंशन इन नॉवेल और स्टोरी। कैरेक्टर्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स अपने गोल को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं, बट कॉन्फ्लिक्शन ऐसी चीज होती है किसी भी स्टोरी में जो उसके उसे हर्डल करती है उस चीज को, गोल को पाने के लिए, और यही को उस कैसे स्ट्रगल करता है और कैसे उसको ओवरकम करके वो अपने गोल को पाता है, उस पे ओवरकम करता है, ये चीजें होती हैं कॉन्फ्लिक्शन का पार्ट होता है। और कॉन्फ्लिक्शन जो होता है वो मेन सोर्स होता है टेंशन का नॉवेल या किसी स्टोरी में। टेंशन क्रिएट होती है कॉन्फ्लिक्शन के थ्रू, चाहे वो कॉन्फ्लिक्शन इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन हो किसी कैरेक्टर के बीच का में, कि वो अपने माइंड में या इंटरनल ही अपनी कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ उसकी डिलेमा है जो उसको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, या तो वो कॉन्फ्लिक्शन किसके बीच में होता है, प्रोटागोनिस्ट या एंटागोनिस्ट के बीच में होता है, जो हीरो और विलेन होता है उसके बीच में होता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन होता है और वो कॉन्फ्लिक्शन होता है इसका राइजिंग एक्शन, या आप कह लो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो यहाँ पे राइजिंग एक्शन होता है। नेक्स्ट वन वी हैव ऑल्सो सेटिंग। सेटिंग की बात करते हैं, सेटिंग से आप समझते हो कि प्लेस, ठीक है, कहाँ पे ये स्टोरी कहाँ की है और कब की है, इसी को सेटिंग बोला जाता है। सेटिंग टेल्स वेयर एंड व्हेन नॉवेल अकर्स।
मीन्स ये नॉवेल, या नॉवेल मीन्स स्टोरी की बात हो रही है, ये स्टोरी कब हुई है, कहाँ हुई है, ये सेटिंग से पता चलता है. इट इंक्लूड्स द प्लेस एंड द टाइम पीरियड इन विच स्टोरी टेक प्लेस. क्या बोलता है, बोला जा रहा है यहाँ पे, इन इंक्लूड प्लेस एंड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड और प्लेस के बारे में बताता है सेटिंग, कि ये स्टोरी कब हुई है, कब घटित हुई है. किसी भी हम स्टोरी के बारे में लिख रहे हैं, चाहे वो अपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बारे में लिखा जा रहा है, या जो आपका ब्लडलेट्स रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में अगर कुछ लिखी जा रही है, अमेरिकन फ्रीडम के बारे में लिखी जा रही है, तो वो होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन को बताता है और उस जगह के बारे में वहां पे सेटिंग क्रिएट की जाती है और स्टोरी को वहीं पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ये सेटिंग है अमेरिका की या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की, और ये टाइम पीरियड क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था और इस जगह पे ऐसी चीज को हुआ है, ऐसी स्टोरी हुई है, ऐसी चीज घटनाएं हुई हैं. तो जहाँ पे जो घटनाएं होती हैं, स्टोरी टेक प्लेस करती है, उस जगह और उस टाइम पीरियड को सेटिंग में इंक्लूड किया जाता है. एंड इंटीग्रल सेटिंग इज इसेंशियल टू द प्लॉट. इट इन्फ्लुएंसेस एक्शन, कैरेक्टर एंड थीम. इंटीग्रल जो सेटिंग्स होती हैं वो एसेंशियल होती हैं किसी भी प्लॉट के लिए, किसी भी स्टोरी के लिए, और इससे क्या होता है, ये एक्शन इन्फ्लुएंस करता है, कैरेक्टर और थीम को इन्फ्लुएंस करता है. क्योंकि सेटिंग से आप समझोगे कि सेटिंग जो होगी आपको उस टाइम के कैरेक्टराइजेशन को भी, कैरेक्टर को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, और एक्शन भी उसी तरीके का, उसी टाइम ड्यूरेशन के जो आर्म्स होते हैं या जो भी उपकरण होंगे लड़ाई वाले, अगर लड़ने का है कुछ ऐसा, या सीनरीज है कोई ऐसी, तो उसको आपको उसी तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा. तो ये क्या होता है, जो सेटिंग होती है वो इन्फ्लुएंस करती है एक्शन को, कैरेक्टर को, और इसके साथ ही साथ थीम को. मतलब कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जब हम कोई वर्क लिख रहे हैं या कोई स्टोरी, कोई नॉवेल है, जैसे आप टेल ऑफ टू सिटीज है चार्ल्स डिकेंस की, तो वहां पे चार्ल्स डिकेंस ने कैरेक्टर को भी उसी तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है. इसके साथ ही साथ थीम क्या किया है, थीम उसी थीम को, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो एक इनइक्वालिटी की बात हुई थी, फिर बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात हुई, वो सब कुछ थीम इन्वॉल्व करके एक स्टोरी को लिखा जाता है. तो ये हमारी सेटिंग होती है. इसके साथ ही साथ मेजर एलिमेंट्स की बात करें सेटिंग की, फिक्शन की, तो वो क्या होते हैं, टाइम होता है, प्लेस होता है, सराउंडिंग्स होती हैं, सोशल एनवायरमेंट्स होते हैं इन विच कैरेक्टर आर कन्फाइंड टू. मेजर जो एलिमेंट्स की बात करते हैं अगर सेटिंग की किसी भी फिक्शनल वर्क में, तो प्लेस इंपॉर्टेंट है सेटिंग के लिए, टाइम इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ जो सराउंडिंग्स होती हैं और सोशल एनवायरनमेंट, सोशल बिहेवियर जो है और जिसमें वो कैरेक्टर रहता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं सेटिंग्स के. और सेटिंग जो है किसी प्लेस और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड के जिसमें स्टोरी होती है उसको सेटिंग बोला जाता है. तो यहाँ पे सेटिंग आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से इसको वॉच आउट कर लीजिएगा रिवर्स करके और थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सेटिंग क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, नंबर थीम की बात करेंगे. थीम इज मॉरल लेसन की बात होती है. थीम क्या होता है, मॉरल लेसन, क्या सीखते हो आप स्टोरी को पढ़ करके, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू टेक फ्रॉम दैट स्टोरी, दैट इज कॉल्ड थीम. उस स्टोरी में क्या क्या थीम इन्वॉल्व है जो एक मॉरल लेसन इम्पार्ट करती है, मॉरल लेसन एक तरीके से आपको गिव अवे करती है रीडर्स को, दैट इज कॉल्ड थीम. थीम इज द मेन मैसेज और डीपर मीनिंग द ऑथर इंटेंड्स टू कम्युनिकेट टू रीडर्स. कन्वे करने की जो कोशिश करता है रीडर को, उस मेन मैसेज किसी भी स्टोरी का और डीपर जो मीनिंग होती है किसी भी स्टोरी को, जब ऑथर जो होता है वो इंटेंड करता है कि यस, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है उस वर्क के थ्रू रीडर के सामने, और रीडर को जो वो पहुंचाता है कि यस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टोरी, और ऐसा किया, इसका रिजल्ट ये हुआ, वही होता है उसका मेन मैसेज, वही होता है उसका थीम. द थीम ऑफ अ बुक मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सल टर्म्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लॉट. प्लॉट के टर्म पे नहीं, यूनिवर्सल के टर्म पे स्टोरी की जो थीम होती है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए. जैसे कोई भी स्टोरी लिखी जा रही है, आपको उसमें थीम आप देखोगे कि यस, ये थीम जो है वो करप्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरेस्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे रिच का, या जो रिच है वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो लेबरर्स हैं उनको, इस तरीके के थीम्स अलग अलग नॉवेल्स में, अलग अलग सब्जेक्ट में आप देखने को मिलता है, आपको अलग अलग स्टोरी में देखने को मिलता है. जब आप कोई स्पेसिफिक नॉवेल पढ़ते हो तो आपको वहां पे, जैसे मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स जो है आप
डिकेंस का पढ़ोगे तो डिकेंस के नॉवेल में कहीं ना कहीं एक पुअरर या जो एक लोअर क्लास है या लो बर्थ बॉर्न पीपल हैं उनकी तरफ से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उस टाइम ड्यूरेशन में विक्टोरियन एरा में तो किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ा एक कॉमन पीपल पे, वो सब कुछ बताने की कोशिश चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवेल के थ्रू की है. तो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये इम्पोर्टेंट थीम होता है उनके नॉवेल्स का. इसके साथ ही साथ सप्रेस ऑफ द लोअर क्लास ये इम्पोर्टेंट थीम होता है, करप्शन अनदर इम्पोर्टेंट थीम, और साथ ही साथ साइंटिफिक जो रिसर्चेस होते हैं उसके क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है कॉमन पीपल पे, ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो चार्ल्स डिकेंस अपने नॉवेल्स में लिखा करते हैं. ऐसे ही आप हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स में आप देखते हो उनमें भी कहीं ना कहीं इसी चीज के बारे में बात हुई है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो जो डिप्राइव्ड होते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उनको कुछ एक खास जगह नहीं होती है रहने के लिए इवन. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स ऐसे नॉवेल्स में आप पढ़ते हो, यही होता है थीम उसका जो एक हमें कन्वे करता है मॉरल लेसन कि इतना कन्फ्लिक्शन या इतना जो स्ट्रगल झेलने के बाद ये किस तरीके से ओवरकम किया हुआ है और इसका रिजल्ट क्या होता है और मॉरल थीम्स क्या होती है, मॉरल जो लेसन है मेन मैसेज है जो ऑडियंस को या रीडर को देना चाहता है वो ही हमारा थीम होता है. थीम्स कैन बी अप्लाई टू द रीडर्स ओन लाइफ टू अदर लिटरेचर. ठीक है, जो थीम्स होती हैं वो रीडर्स जो होते हैं उनके अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, उनकी लाइफ से रिलेटेड होता है, अप्लाई करता है कहीं ना कहीं या अदर लिटरेचर से भी अप्लाई करता है. तो ये आई होप आपने थीम के बारे में यहाँ पे अच्छे से समझ लिया होगा. तो वीडियो को एक बार फिर से आप वॉच आउट कर लीजिएगा जो हमने आज एलिमेंट्स की बात की, प्लॉट कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग एंड थीम के बारे में हमने आज एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल में डिस्कस किया. इंपॉर्टेंट है वैसे बहुत से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है जो थीम से ही मैच करता है कि किस तरीके से वो लिखा जा रहा है फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा है और क्या एक कन्वे करने की कोशिश कर रहा है. साथ में साथ टोन जो होता है वो बताता है आपका कि टोन ये बहुत ही एक रोमांटिक वे में लिखा गया वर्क है या बहुत ही एक आप क्रिटिकल वर्क है. तो ये कुछ टोन्स होते हैं जो कि किसी वर्क को डिपेक्ट करते हैं. बट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो फाइव टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया दे ऑल रिलेटेड टू नॉवेल और फिक्शनल वर्क. तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ बने रहिए चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.